सुप्रभात, जय श्री राम। अब से हम डेज काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। हम ऐसे ही अपना चैलेंज कंटिन्यू करेंगे और रेगुलरली इसी टाइप की वीडियोस डालेंगे। अभी हमें पढ़नी है भगवत गीता। और मेरे को ये भी कहना था कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वीडियोस रेगुलरली नहीं आ पा रही हैं, 2-3 दिन में आ पाती हैं। तो फिलहाल कुछ दिन के लिए ऐसे ही आ पाएंगी, कुछ दिन में आ पाएंगी, रेगुलरली तो नहीं आ पाएंगी, पर कुछ दिन बाद उसके बाद से रेगुलरली आना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं अच्छे से डालूंगा वीडियोस, फिर अच्छे से फोकस करेंगे। अभी फिलहाल हो नहीं पा रहा है, फिलहाल गीता पढ़ लेते हैं। ज़रा ये देखो, इधर भगवान जी हैं और इधर ये इंसान है, ठीक है। इसमें लिखा है, कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थाई होती हैं और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। कम बुद्धि वाले व्यक्ति यानी जैसे लोग बस इसीलिए भगवान को याद करते हैं, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं कि वो बदले में कुछ ले सकें। लालच जो होता है ना, उसी के बारे में बताया है। और वास्तव में ये सब लाभ एक्चुअल में जो हैं प्रदान किए जाते हैं भगवान द्वारा, ठीक है, भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। तो भगवान जी ये चीज़ दे तो देते हैं तुम्हें, पर तुम पे डिपेंड करता है कि तुम भगवान से मांग क्या रहे हो। कोई ऐसी चीज़ जो मृत्यु के बाद समाप्त हो जाएगी जैसे धन दौलत, या कोई ऐसी चीज़ जो मृत्यु के बाद भी तुम याद रखी जाएगी जैसे कि तुम्हारा बिहेवियर हो गया, तुम किस तरह के इंसान थे, तुमने ज़िंदगी में क्या चीज़ पाई, क्या चीज़ हासिल की। कितनी अच्छी बात लगी है इसमें। चलो अब कॉलेज भी निकलना है। सोफे, जय श्री राम बोल दो यार, कभी तो बोल दिया करो। जय श्री राम बोलो, वरना लेके नहीं जा रहे। अबे यार ऐसे थोड़ी चल, नहीं लेके जा रहे भाई। मेरे को फोन करता है, बोलता है कॉलेज में है। कॉलेज में है भाई, मेरे को खुद कॉल किया कि मैं कॉलेज में हूँ भाई। अकेले आ गया 10 बजे, 3 बजे का एग्जाम है, 10 बजे आके बैठा, रील्स भेज रहा मेरे। दिखा सोफे का मैसेज, दिखा सोफे की क्रश का मैसेज। ये तो जाएगा भाई, ये तो जाएगा भाई। तुम इतने फेमस जो हो भाई, तुम्हारी वजह से बहुत ब्लॉग चल रहे हैं। दिखाओ दिखाओ। अरे हाय, युगांक ने आवाज लगाई और भाई उन्हें देख लिया इतनी दूर से, वहाँ से भाई, भाई वहाँ से। आज कैसा हुआ एग्जाम? बढ़िया, अच्छा हुआ आज का। आज तो स्टेट्स का था, हार्ड हार्ड होता है स्टेट्स का। जैसे हुआ हुआ भाई। अच्छा भाई, तुम्हारा कैसा हुआ? फाड़ दी हमने पेपर है। फाड़ दी पेपर भाई, इतना इतना अच्छा करके आए हो तुम लोग, मस्त यार। अब एग्जाम खत्म हो गया और हम लोगों को लग गया भूख, तो हम जा रहे हैं मोमोज खाने। क्या और आ गए हमारे मोमोज, टेस्ट इनका तो अच्छा था वैसे। अब सारा दिन इधर उधर निकाल दिया, वीडियो भी एडिट करना है, पढ़ना भी है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, कैसे पढ़ाई होगी। अब इस टाइम हम जा रहे हैं शादी में, एंड ऑब्वियसली मेरा कोई मूड नहीं था शादी में जाने का, क्योंकि एग्ज़ाम है और शादी में जाओ तो पूरी रात ख़राब होनी है, और वैसे भी खास शादी थी तो जाना तो पड़ता ही, वरना घर वाले कहते खास शादी है जा नहीं रहा, ये वो वैसा वैसा, जाना पड़ा। मैं तो रात को ही भाग आया। सेल्फी स्टाइल देख रहे हो भाई का, मौसी आ गई तब तू फिर फोन में लग गया, इसीलिए इंतजार करता मौसी का। फोन ले जाओ, अपना फोन ले जाओ, बच्चे जिद करके ले ही लेते हैं। देख रहे हो फोन के पीछे आजकल के बच्चों का हाल, रो रो के जिद करके ले ही लेते हैं। कहीं भी चालू हो जाओ, लड़कों का तो यही है, डीजे हो ना हो। ये हैं दूल्हे के पिताजी, जिम्मेदारियां देख रहे हो, अपने बेटे की शादी में भी खुद तैयार नहीं हो पा रहे। मैंने तो कुछ नहीं किया यार, इसे क्या हो गया, इसकी ज़िंदगी में तो मुझसे भी ज़्यादा गम है बेचारा। मेरे पास नहीं है, मौसी को दे दिया, मौसी को गोल 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 गोल। मौसी को दे दिया।
फोन की तलब देख रहे हो इस बच्चे की, शादी में आके भी फोन ही चाहिए। इस पर तरस मत खाना, बहुत खतरनाक बच्चा है ये।